नमस्कार अदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, उत्तर प्रदेश के एक जिले हरदोई की। दोस्तों, हमारी बहुत सारी कहानियों में अक्सर हमने आपको प्रेत आत्माओं से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ बताई होंगी। क्या कभी आपने ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देव के बारे में सुना है? ये भी कहा जाता है इसमें भी एक अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, कासगंज के 21 साल के लड़के की, जो कि अपने मामा के घर पर जाता है हरदोई में अपनी माँ के साथ में। तो ये कुछ दिन इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, तो ये छुट्टी बिताने के लिए अपने मामा के घर पर जब ये जाता है वहाँ पे, तो कुछ दिन बहुत अच्छे से रहता है। लेकिन रास्ते में ये किसी की दीवी कोई चीज़ खा लेता है और उसके बाद में इसकी घर पर आके तबीयत ख़राब होने लगती है। और इनके घर वाले जो होते हैं, इसके मामा के घर में कुल 4 लोग होते हैं, मामा, मामी और उनका एक बड़ा बेटा और उनकी एक बेटी। तो वो लोग इसको पास ही नज़दीकी डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं और इलाज करवाना शुरू करते हैं। लेकिन इलाज के दौरान कोई सुधार नहीं होता और धीरे 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 मिथुन की जो तबीयत होती है उसमें कोई सुधार नहीं होता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत जो होती है ख़राब होने लगती है और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ऐसा कई दिन चलता है। उसके बाद में ये एक माँ की जो स्थानीय लोग होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे दरगाह बोलते हैं, तो वो लोग गद्दी, ज़्यादातर गद्दी बोलते हैं। गद्दी का अर्थ ये होता है कि जो दरगाह होती है, जो मौलवी होते हैं, उनके पास में उनको लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद में उनको झाड़ा वगैरह लगवाते हैं। लेकिन मिथुन की तबीयत में फिर भी कोई सुधार नहीं आता है और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। फिर उसको एक दरगाह पे लेके जाते हैं, बड़ी दरगाह पे लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे पता चलता है कि मिथुन का कहीं गलत जगह पैर पड़ने की वजह से उसके ऊपर कोई ऊपरी ब्रह्म राक्षस का वास हो गया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। क्योंकि मिथुन जब कोई भी इस तरह की कोई हरकत होती है, तो जैसे मिथुन रात में बड़बड़ाना शुरू कर देना या देर तक नहाना या बेमतलब में गाली गलौच करना घर में, ये हरकतें करता था और देखकर सब बहुत हैरत होते थे, मतलब परेशान होने लगते थे कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो मौलवी साहब उसको एक ताबीज़ देते हैं। ताबीज़ देने के बाद में फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। मिथुन तो ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद में जब वो अपने मामा के घर से चला जाता है, मिथुन के जो मामा होते हैं वो ऐसा ही सब इंस्पेक्टर होते हैं और वो बिल्कुल सही होते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्म राक्षस नाम का कोई भी ऐसा कोई प्रेत या कोई आत्मा होती है, तो जब वो किसी दूसरे शरीर से हटती है तो वो उसे दूसरा शरीर चाहिए होता है। तो वो जो ताबीज़ होता है वो तो मिथुन के हाथ में होता है, लेकिन वो जो आत्मा होती है वो मिथुन के मामा के घर में रह जाती है और वो मामा के शरीर में वास कर जाती है। और पेशे से उसके जो मामा होते हैं वो रिकॉर्ड भाई बहुत अच्छे होते हैं डिपार्टमेंट में। लेकिन अचानक से क्या होता है कि जैसे ही वो रात में घर पे आते हैं और घर में शांति का माहौल होता है, प्यार का माहौल होता है, अचानक से वो घर में सबको गाली गलौज करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और देखते देखते सब लोग मतलब परेशान होने लगते हैं कि आज ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें की हरकत क्यों कर रहे हैं। कई दिन से उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होने लगती हैं, आवाज़ें आने लगती हैं, ऐसा लगता है कि कोई उनके नाम से उनके घर वालों को बुला रहा है। और ऐसे करते करते 10-15 दिन हो जाते हैं और उसके जो मामा होते हैं उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है और वो उनको डिपार्टमेंट से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। वो अपने CO साहब को भी गालियाँ और अब्यूजिंग वगैरह करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद में फिर उनको मौलाना के पास में लेके जाया जाता है। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि अभी पूरी तरीके से वो जो आत्मा है वो इस घर में से कहीं गई नहीं है, इसी घर में है। उसके बाद में फिर उनको ताबीज़ दिया जाता है और फिर उनके घर में फिर वो एक बाबा जी के पास लेके जाते हैं, तो उनके घर में हवन भी किया जाता है, जिसकी वजह उनके घर की शुद्धिकरण होती है। फिर पूरी तरीके से उनका घर जो होता है वो शुद्ध हो जाता है और फिर मिथुन के जो मामा होते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे से जीने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या सच में जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, क्या इसमें की कोई कहानियाँ होती हैं या ये अक्सर किताबों में ही लिखी हुई है कि ब्रह्म राक्षस होते हैं? क्योंकि अक्सर हमने इस बारे में काफ़ी सुना भी है कि ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देव, इसमें अच्छी आत्मा भी होती हैं और बुरी आत्मा भी होती हैं। तो क्या इसमें सच में इसमें कोई घटनाएँ होती हैं इस तरह की? अगर होती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और ये कहानी जो थी मुझे मेरे पास के रहने वाले एक शख्स ने मुझे बताई थी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताइए कि ब्रह्म राक्षस से रिलेटेड इस तरह की कोई घटनाएँ सच में होती हैं या नहीं होती हैं।